हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड एक बार फिर से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के बारे में। रिलायंस पावर काफ़ी अच्छा शेयर रहा था एक टाइम पे, पर्सनली मेरा फेवरेट भी था। एंड उस टाइम पे मैं लोगों को रिकमेंडेशन भी देता था कि आप लोग रिलायंस पावर में पैसा डालें। लेकिन अब इसके जो फंडामेंटल्स है, कंपनी के जो भी स्टैटिक्स है, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देखेंगे क्यों रिलायंस पावर के जो शेयर होल्डर है या रिलायंस पावर में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उन लोगों के लिए ये एक शेयर सरदर्दी बन चुका है। एंड ये एक शेयर सरदर्दी के साथ साथ उनको परेशानियाँ भी आने वाले टाइम में देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मार्केट कैप के बारे में बात करें तो जिस हिसाब से शेयर प्राइस बढ़ रहा है उसके बाद भी मार्केट कैप में आप लोगों को गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एंड इस टाइम पे जो कंपनी का करंट मार्केट कैप है वो 11,436 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर करंटली जो शेयर की बुक वैल्यू है 29 रुपीज़ देखने के लिए मिल रही है। एंड शेयर का करंट प्राइस भी 28 रुपीज़ देखने के लिए मिल रहा है। कोई डिविडेंड आप लोग को इस शेयर में देखने के लिए नहीं मिलता। पिछले एक साल में -2,000 करोड़ का लॉस दिखाया है। प्रॉफिट तो आप लोग को इस शेयर में देखने के लिए नहीं मिलता। सेल्स की बात करें तो पिछले 3 साल में सेल्स में भी -0.17 तक की भी आप लोगों को नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है। फिर भी देखा जाए फंडामेंटल्स यहाँ तक कंपनी के अच्छे नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 23% तक की देखने के लिए मिलती है। रिटर्न ऑफ इक्विटी -17% तक की देखने के लिए मिलती है। उसके बावजूद भी पिछले एक साल में जो शेयर ने रिटर्न दिए 86% तक के रिटर्न कमा कर दिए अपने शेयर होल्डर को। डेप टू इक्विटी रेशो 1.62% तक का देखने के लिए मिलता है। तो फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होने के बावजूद भी इस शेयर में आप लोगों को शेयर प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट के ऊपर ध्यान दें तो पिछले 5 सालों के बारे में जब एक टाइम था जब शेयर 2-3 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से शेयर ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। लेकिन इस टाइम पर ये शेयर ओवर वैल्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 साल के बारे में बात करें, एक टाइम था जब शेयर आप लोगों को देखिए, मैं मैक्स शेयर करके देखता हूँ, दिखाता हूँ, जब 199-200 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता था, उसके बाद से इस शेयर में आप लोगों को रेगुलर डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। एंड इसके एनालिसिस के ऊपर ध्यान दें तो इस स्टॉक बुक वैल्यू पे कोई इतना बड़ा मैटर नहीं करता। डेप्टर डेज हैज़ बीन इम्प्रूव फ्रॉम 122 टू 76 डेज। ये भी कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। लो इंटरेस्ट रेशो डिक्रीज, लास्ट क्वार्टर में आप लोगों को प्रमोटर होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दी है। पोअर सेल्स ग्रोथ देखने के लिए मिली है। रिटर्न ऑफ इक्विटी पिछले 3 साल में -12% तक की देखने के लिए मिलती है। अदर सोर्सेज से जो इनकम आती है वो 499 ऑलमोस्ट 500 करोड़ तक की देखने के लिए मिलती है। इस सेक्टर में और भी शेयर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, टाटा पावर, GSW एंड रिलायंस पावर, इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप लोग चैनल पर जाएंगे आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। एंड मैं ऊपर आई बटन पर भी आप लोग को वीडियो दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोग को पावर सेक्टर के ऊपर वीडियो देखनी है। आगे चलते प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो एक टाइम था जब ये शेयर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करता था, लेकिन 2019 से लेकर अभी तक शेयर में सिर्फ आप लोगों को 2021 में ही प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। उसके बाद से लेकर अभी तक शेयर में आप लोगों को नेगेटिव यानी कि हम लोग लॉस ही देखने के लिए मिल रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग एज वी ऑलरेडी डिस्कस की, प्रमोटर्स होल्डिंग में आप लोगों को कम होती हुई दिखाई दी है। FILs की होल्डिंग इस शेयर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 13% तक का स्टेक FILs के पास आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। DILs डोमेस्टिक इन्वेस्टर 4.94% तक का स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक आपकर माइडिस लोग 58% तक का स्टेक होल्ड करते हैं। टोटल इन्वेस्टर्स इस शेयर में हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर के बारे में बात करें तो 38,68,277 आप लोग को इस शेयर में देखने के लिए मिलते हैं। इतना कुछ आप लोग को इस शेयर में नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, हम लोग बोल सकते बिलो एवरेज इसके फंडामेंटल्स आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं। अभी मेरा यही कहना है, अगर आप लोग रिलायंस पावर में पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो रिलायंस पावर को इन्वेस्ट ना करके आप लोग टाटा पावर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदानी पावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रिलायंस पावर। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने शेयर है, कितने पैसे आप लोगों ने इन्वेस्ट कर रखे हैं रिलायंस पावर में। सो बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव एन नाइस डे, सी यू सून। मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोगों का पैसा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क और अपने एनालिसिस पर इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।